इस वक्त स्कूल कॉलेज के खुलने और इनमें एडमिशन लेने वालों का हो हल्ला हर तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा, मगर इन दिनों एक बात बहुत ही चर्चित है, वो है सुपर 30 कोचिंग। और इस कोचिंग को चलाने वाले सुपरमैन शिक्षक आनंद कुमार। हाल ही में जीनियस आनंद कुमार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 के सभी बच्चों ने IIT JEE की प्रवेश परीक्षा पास की है, जो फख्र का विषय है। मगर इस कामयाबी के पीछे आनंद कुमार की गुर्बत और उनकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। ये तो आप सबको मालूम ही है कि संस्थान IIT में जाने का सपना हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होता है, लेकिन आड़े आ जाती है गरीबी। ऐसे में सुपर 30 कोचिंग ने IIT JEE एंट्रेंस क्लियर कर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि आनंद कुमार ने गरीबी का हाथ थाम कर इसे कामयाबी की सड़क पार करा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीबों के मसीहा कहला रहे आनंद के विद्यार्थियों में बेरोजगार पिता का बेटा केवलिन, सड़क किनारे अंडे बेचने वाला बेटा अरबाज आलम, खेतीहर किसान का बेटा अर्जुन जैसे लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि सुपर 30 के आनंद ने सुख सुविधाओं से वंचित परिवारों के 30 बच्चों को हर साल अपनी कोचिंग में मुफ्त में IIT की कोचिंग देते रहे हैं। पढ़ाई के साथ वो इन बच्चों को अपने घर पर रखते हैं और उनकी माँ उनके लिए भोजन बनाती है ना इंसानियत की अनूठी मिसाल। सुपर 30 की सफलता के बाद वो इसका दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब मैं चाहता हूँ कि 30 से ज्यादा बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। ग्रेट आनंद कुमार जन्म 1 जनवरी 1973 को हुआ। शिक्षा जगत में नाम कमाने वाले भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद और बहुत सी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गणित की पत्रिकाओं में वो कॉलम लिखते रहे हैं। ज्ञात रहे 2018 के आंकड़ों के अनुसार उनके पढ़ाए 480 में से 422 छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के लिए चयनित हो चुके हैं। और तो और, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें व्याख्यान देने के लिए भी बुलवाया गया। 1992 में उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया था। उन्होंने 500 रुपए प्रति महीना पर एक कक्षा किराए पर ली और अपने संस्थान रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की नींव डाली। अभिनेत्री एवं पूर्व मिस जापान नोरिका फुजीवारा खास तौर से उनसे मिलने पटना आई और उन्हें आनंद कुमार के कामों पर एक शॉर्ट मूवी भी बनाई। ये BBC के कार्यक्रमों में भी रहे। आनंद भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, कई IIT, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दे चुके हैं। निःशुल्क शिक्षा देने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और उनका नाम टाइम पत्रिका ने सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में भी स्थान दिया। उन्हें बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि संस्थान का खर्चा आनंद खुद उठाते हैं। उनका मानना है कि उनके कोचिंग सुपर 30 को आगे ले जाने के लिए पैसे नहीं, आत्मविश्वास भरे सपनों की जरूरत है। बिहार के पटना के रहने वाले आनंद कुमार के पिता पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते थे। आर्थिक संकटों की वजह से आनंद की पढ़ाई हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में हुई, जहाँ गणित के प्रति उनका प्रेम बढ़ता चला गया। कमाल तो ये है कि उन्होंने मैथ्स के नए फॉर्मूलों का आविष्कार भी किया। आनंद ने ग्रेजुएशन के दौरान नंबर थ्योरी में पेपर सबमिट किए, जो मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और मैथमेटिकल गैजेट में पब्लिश हुए। बड़े अफसोस की बात है कि इसके बाद आनंद कुमार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके पिता की आकस्मिक मौत और घर के हालातों की वजह से उनका ख्वाब सच न हो सका। तंग दस्ती ने उनसे दिन में पढ़ाई और शाम को माँ के साथ पापड़ बिकवाए, क्योंकि पिता के बाद सारी जिम्मेदारी आनंद पर आ गई थी। आनंद ने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक क्लब में अपने प्रोफेसर की मदद से मैथ के छात्रों को पढ़ाया, वो भी बिना पैसे लिए। आनंद यहाँ दिन में पढ़ाते और शाम को अपनी माँ के साथ पापड़ बेचा करते थे। अब क्लब में स्टूडेंट की संख्या 500 तक पहुंच गई है। सुपर 30 के बनने की वजह दिल की लगी थी। एक दिन की बात है, एक लड़के ने आनंद से कहा, सर हम गरीब हैं, हमारे पास फीस नहीं है, तो देश के अच्छे कॉलेजों में कहाँ पढ़ने जाएंगे। बस ये बात आनंद के दिल को लग गई और इसी लगी ने 2002 में सुपर 30 की बुनियाद रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुपर कोचिंग ने हर साल परीक्षा के जरिए 30 बच्चों को लिया जाता है, साथ ही उनके रहने, खाने पीने और फ्री किताबें भी दी जाती हैं। हैरानी की बात है कि 15 साल में उनकी संस्था से 396 बच्चे IIT में जा चुके हैं। अब ये बात भी सुन ले, डिस्कवरी चैनल ने आनंद कुमार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इनकी बायोग्राफी प्रकाशित हो चुकी है।
अगर संक्षेप में कहें, सुपर 30 के सुपरमैन है आनंद। बात सुनने कहने में जरा कड़वी लगेगी, मगर कहना पड़ेगा। शिक्षा जगत को जिन्होंने व्यापार बना दिया है, उनके लिए आनंद किसी तमाचे से कम नहीं। अब आपके कमेंट्स में बताएंगे हमने सही कहा या गलत। जय हिंद, वंदे मातरम।